आज के इस वीडियो में हम इस ड्राइंग को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस ड्राइंग में सारे डायमेंशन हमें गिवन है। कुछ डायमेंशन हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पर कि इस सर्कल का तो डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, मगर जो नेक्स्ट सर्कल है इसका नहीं है और इसका भी डायमेंशन हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम दूसरे डायमेंशन का यूज़ करके इन दोनों सर्कल के रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस ड्राइंग को हम ऑटोकैड में ट्राई करते हैं। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कलर दिया है, सारे डायमेंशन यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर हमने सेंटर मार्क भी दिखाया हुआ है, एंगल भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो चलिए हम न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल लेने के लिए आप अपने कर्सर को यहाँ पर प्लस आइकॉन पे लेकर जा सकते हो और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग सेटिंग चेक करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूनिट चेक करता हूँ। UN कीबोर्ड से टाइप करना है आपको और एंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर सारे डायमेंशन हम मिलीमीटर में डालने वाले हैं, तो यहाँ पर MM को सेलेक्ट करना है, मिलीमीटर। ओके करता हूँ मैं। उसके बाद आप यहाँ पर टोगल कीज़ को चेक कर सकते हो, जैसे कि डायनेमिक इनपुट मोड यहाँ पर ऑन होना चाहिए, ऑर्थो मोड भी ऑन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को भी आपको ऑन रखना है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप को भी ऑन रखना है। ये सारे बटन क्यों ऑन रखने हैं मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हो। आप यहाँ पर चाहो तो ग्रिड मोड को ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये ग्रिड मोड ऑफ हो गया है। अब हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे छोटा जो सर्कल है उसका डायमीटर 20 है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो सर्कल है उसका डायमीटर 45 है। यहाँ पर चार सर्कल हम एक के बाद एक बना सकते हैं, 20, 45, 64 और 80 रेडियस के। तो चलिए यहाँ पर चार सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में। तो फर्स्ट सर्कल को बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले सर्कल कमांड में जाएंगे। सर्कल कमांड में इस बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर डायमीटर आपको चूज़ करना है, क्योंकि हमें डायमीटर पता है इसलिए मैं सेंटर डायमीटर चूज़ करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको सेंटर पॉइंट देना है। यहाँ पर सेंटर देने के बाद आप यहाँ पर डायमीटर डाल सकते हो 20, एंटर करना है। देखिए यहाँ पर जो सर्कल आया है बहुत ही छोटा है, हम इसको माउस से स्क्रॉल करके जूम इन कर सकते हैं। ये फर्स्ट सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट सर्कल के लिए फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ सर्कल में और यहाँ पर अब मैं सेंटर रेडियस चूज़ करूँगा। तो सेंटर रेडियस को चूज़ करते हैं। आपको यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस सर्कल का रेडियस डाल सकते हो 45, एंटर करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। थर्ड सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मगर इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मैं शॉर्टकट ट्राई करूँगा, सी। अपने कीबोर्ड से आप सी एंटर कर सकते हो। सी एंटर करने के बाद सेम आप सेंटर पॉइंट दे सकते हो और उसके बाद यहाँ पर रेडियस डाल सकते हो 64, एंटर। और लास्ट सर्कल बनाने के लिए मैं अपने कमांड को रिपीट करता हूँ। सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार या फिर एंटर प्रेस कर सकते हो। ऑटोकैड में किसी भी कमांड को अगर आपको रिपीट करना है तो आप स्पेस बार या फिर एंटर प्रेस करके वो कमांड बार बार यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्पेस बार करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट दूंगा और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट रेडियस 80 एंटर करूँगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सर्कल जो है वो किस तरह से बनाने हैं। तो हमने यहाँ पर चार सर्कल बना लिए हैं। अब नेक्स्ट सर्कल की रेडियस यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलेगा। जैसे कि इस सर्कल की रेडियस हमें नहीं दी हुई है, मगर हम देख सकते हैं कि हमें ये जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस दी हुई है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इस सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस 80 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 16 है, तो हम 80 प्लस 16 यहाँ पर कर सकते हैं। हमें मिलेगा 80 प्लस 16 इक्वल टू 96 रेडियस। और जो लास्ट का सर्कल है उसका रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर 80 प्लस ये जो सर्कल है हमारा, इसका रेडियस जो 28 है वो प्लस कर सकते हैं। तो हम लोग 80 प्लस ये जो डिस्टेंस है 28, इसे प्लस करेंगे तो ये होता है 108। तो हमें मिल गया है ये सर्कल 96 का और ये सर्कल 108 का। चलिए इसे ऑटोकैड में बनाते हैं। तो अब मैं शॉर्टकट का यूज़ करता हूँ, सी एंटर करता हूँ, यहाँ पर सेंटर देता हूँ और सेंटर देने के बाद 96 एंटर। और नेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर स्पेस करता हूँ, सेंटर दूंगा और अगेन यहां पर मैं 108 एंटर करूंगा।
ये सारे सर्कल ड्रॉ होने के बाद अब हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। अब हम आगे इस सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये जो वर्टिकल सेंटर लाइन है इसे ड्रॉ करेंगे और इसको रोटेट करेंगे 30 डिग्री में, ताकि हमें ये जो छोटे दो सर्कल हैं उनका सेंटर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाए। तो चलिए ऑटोकैड में ये सेंटर लाइन बनाते हैं। तो सेंटर लाइन बनाने के लिए सिंपल आपको लाइन पर यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट पर जाना है। ये देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट पॉइंट दिखा रहा है, इसे आप ट्रैक कर सकते हो और ट्रैक करके यहाँ पर क्लिक करना है और ये एक सेंटर लाइन यहाँ तक आप ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पर सिंगल स्केप कर देना है। अब मैंने एक लाइन तो ड्रॉ कर ली है, अब मुझे इस लाइन को रोटेट करना है 30 डिग्री में। रोटेट कैसे करेंगे? तो रोटेट करने के लिए आपको इस लाइन को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर रोटेट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। रोटेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछेगा, तो आप यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर क्लिक कर सकते हो। सेंटर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है। तो कॉपी पर क्लिक करने से इस लाइन की एक कॉपी तैयार हो जाएगी जो कि 30 डिग्री में होगी। तो यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव हम लोग 30 डालेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आपको 30 डालना है और एंटर करना है। देखिए इस लाइन की एक कॉपी यहाँ पर तैयार हो गई है क्योंकि हमने कॉपी पर क्लिक किया था। और अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आप इसको सिंगल क्लिक करके यहाँ पर रोटेट बेस पॉइंट सेंटर और सेंटर देने के बाद कॉपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर -30 अगर डालोगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। ऑटोकैड में क्लॉकवाइज रोटेशन ये माइनस होता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्लस में होता है, तो ये याद रखिए आप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दो छोटे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो दो सर्कल हैं ये सिंगल और ये दूसरा सर्कल, तो इन दोनों की रेडियस यहाँ पर हमें दी हुई है। जो फर्स्ट सर्कल है वो 16 का है और सेकंड सर्कल है वो 28 का है, दोनों का सेंटर इस पॉइंट पे है। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, सी एंटर और सिंगल क्लिक यहाँ पर सेंटर पे करूँगा और उसके बाद 16 एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको स्पेस करना है, सेंटर देंगे और फिर नेक्स्ट रेडियस 28 एंटर करेंगे। ये होने के बाद हम नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो सर्कल है वो सिर्फ हाफ सर्कल है और अगला नेक्स्ट जो सर्कल है वो भी हाफ है। हम हाफ ट्रिम कर सकते हैं अपने सर्कल को, तो मैं क्या करता हूँ ट्रिम ऑप्शन यूज़ करके ये जो हाफ सर्कल है उसे रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटेट के बाजू वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। ट्रिम ऑप्शन है, कैसे यूज़ करेंगे? तो सिंगल आपको ट्रिम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है यहाँ पर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सिंगल क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हो। देखिए हमने इस हाफ सर्कल को रिमूव कर दिया है। अब ये जो हमें मिला है ये सेम सर्कल हम मिरर कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके हम दूसरे साइड मिरर करेंगे। दोनों सर्कल में सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है मिरर का, देख सकते हो आप यहाँ पर मिरर है। मिरर पर क्लिक करना है आपको और मिरर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, मतलब आपको मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है। तो आपको याद रखिए यहाँ पर सेंटर लाइन पर क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिक भी सेंटर लाइन पर और सेकंड क्लिक आपको सेंटर लाइन पर करना है। और यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको नो करना है। ये पूछ रहा है कि आपको ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसे डिलीट करना है या नहीं। मुझे नहीं करना डिलीट, इसलिए मैं यहाँ पर नो करूँगा। देखिए ये दोनों सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन हमें यहाँ पर सर्कल का नज़र आ रहा है वो मैं ट्रिम कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ट्रिम करता हूँ। इस बार मैं ट्रिम का शॉर्टकट यूज़ करूँगा। ट्रिम करने के लिए आप यहाँ पर TR और डबल एंटर प्रेस कर सकते हो। TR डबल एंटर और उसके बाद ये पोर्शन मैं ट्रिम करता हूँ, ये पोर्शन भी ट्रिम कर दूंगा। नीचे का सारा पोर्शन आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि अगर हमारा एक साइड रेडी हो जाता है तो हम उसे मिरर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे भी ट्रिम करूँगा, TR डबल एंटर, और ये पोर्शन भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करने के बाद यहाँ पर आप ड्राइंग में देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये जो सर्कल है और ये सर्कल, इन दोनों को फिलेट करके जोड़ा गया है। तो हम यहाँ पर फिलेट कर सकते हैं, इस कॉर्नर पे 10 रेडियस का फिलेट है। कैसे करते हैं देखिए, फिलेट
तो फिलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मिरर के बाजू में एक कमांड है फिलेट, यहाँ पर जाना होगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर रेडियस सबसे पहले सेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको रेडियस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर 10 mm रेडियस डालेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप सर्कल, इन दोनों सर्कल पर क्लिक, स्पेस बार करने के बाद फिर से यहाँ पर इन दोनों पर क्लिक, तो रिपीट करके आप इन दोनों पे फिलेट कर सकते हो। अब ये जो सारा पोर्शन ऊपर का रेडी हो चुका है, इसे हम नीचे साइड में मिरर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सिंगल क्लिक यहाँ पर करके और सिंगल क्लिक ऐसे कवर करके सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसे मिरर यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो मिरर पर क्लिक करेंगे और मिरर पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन यहाँ पर क्वाड्रेंट का देंगे। देखिए आपको अगर ऊपर का पोर्शन नीचे मिरर करना है तो आपको मिरर लाइन हॉरिजॉन्टल देनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन देनी पड़ेगी। और अगर आपको लेफ्ट साइड का राइट साइड में या फिर राइट का लेफ्ट साइड में मिरर करना है तो आपको मिरर लाइन वर्टिकल देनी पड़ेगी। अभी मुझे ऊपर का नीचे मिरर करना है, इसलिए मैं मिरर लाइन यहाँ पर क्वाड्रेंट से लेकर इस क्वाड्रेंट तक दूंगा और यहाँ पर इरेज ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नो कर दूंगा। एक्स्ट्रा पोर्शन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, उसको टी आर डबल एंटर करके ट्रिम करेंगे। ये देखिए मैंने इन पोर्शन को ट्रिम कर दिया है, ये हमारा लगभग हो चुका है। अब हम इसको कलर और थोड़ा सा डायमेंशन वगैरह डालते हैं। तो अगर आपको इन सेंटर लाइंस को कन्वर्ट करना है सेंटर लाइन में, तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाएंगे। यहाँ पर आपको इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अदर्स में जाना है। अदर्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोड कर सकते हो और लोड में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेंटर पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके कीजिए और यहाँ पर फिर से आप ओके कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में हमने अपने सेंटर पैटर्न को ऐड कर लिया है। ये सेंटर पैटर्न अब हम अपने लाइन्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन लाइन्स को सिलेक्ट कीजिए, तो मैं सारे सेंटर लाइन्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ सेंटर लाइन। तो आप देख सकते हो कि ये सारे लाइन सेंटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, मगर इनका पैटर्न थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि गैप बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं सेंटर पैटर्न को थोड़ा कम कर देता हूँ। साइज़ इनकी कम करेंगे, वो भी यहीं से होता है। अगर आप यहाँ पर अदर्स में जाते हो और अदर्स में जाने के बाद यहाँ पर हाइड और शो ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये ग्लोबल स्केल फैक्टर और करंट ऑब्जेक्ट स्केल फैक्टर, इसको अगर आप रिड्यूस करते हो तो स्केल कम होगा, मतलब साइज़ जो है सेंटर लाइन की वो कम हो जाएगी। अगर बढ़ाओगे तो यहाँ पर स्केल जो है, साइज़ जो है सेंटर लाइन की वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पर मैं करूँगा, समझो यहाँ पर 0.5 करता हूँ और नीचे भी 0.5 करना है आपको और ओके करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेंटर लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। आपको चाहिए तो आप इनको कलर्स भी कर सकते हो। तो मैं इन सारे सेंटर लाइन्स को क्लिक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ। हमने देखा है कि हमारे सर्कल में सेंटर मार्क भी है, तो सेंटर मार्क अगर आपको चाहिए तो कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर आपको मेन्यू बार पे जाना है। इस मेन्यू बार में डायमेंशन टूल बार है, इस डायमेंशन टूल बार में आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेंटर मार्क है, तो सेंटर मार्क पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद इस सर्कल पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर सेंटर मार्क अवेलेबल हो गया है। स्पेस करके रिपीट करते हैं और इन सारे सर्कल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेंटर मार्क भी हमने डाल दिया है। इनको अगर आपको कलर करना है तो आप सेलेक्ट कीजिए इन सारे सेंटर मार्क्स को और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इन्हें कलर कर दीजिए। तो सेंटर मार्क भी मैंने डाल दिया है। सेंटर मार्क का साइज़ मेरा परफेक्ट आया है, मगर हो सकता है कि आपका सेंटर मार्क का साइज़ छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, तो आपको उसे सेट करना होगा। चलिए अब हम इस ड्राइंग को डायमेंशनिंग करते हैं। मैंने डायमेंशन के सारे सेटिंग्स पहले से ही कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एनोटेशन टूल बार में यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करूँगा और एरो पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि सारे टाइप के डायमेंशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायमीटर लेता हूँ और इस जो ये जो छोटा सर्कल है उसका डायमीटर यहीं पर डाल देता हूँ। नेक्स्ट सर्कल हम लोग रेडियस लेंगे यहाँ से, और जितने भी रेडियस हमारे ड्राॅइंग में हैं उन सब की रेडियस यहाँ पर डाल देंगे। 45 स्पेस करके रिपीट करूँगा और यहाँ पर मैं 64 स्पेस करने के बाद यहाँ पर 80, इसका रेडियस था यहाँ पर 16, स्पेस करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 28 रेडियस। इस सर्कल के यहाँ पर फिलेट के रेडियस भी डाल देते हैं, 10 रेडियस है इसका, तो यहाँ पर मैंने रेडियस भी डाल दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर एंगल डालेंगे,
तो यहीं पर मैं जाऊंगा फिर से, और यहाँ पर देख सकते हो एंगुलर डायमेंशन। तो एंगुलर डायमेंशन पर जाना है, उसके बाद इस लाइन पर और इस लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 30 एंगल आ गया है। स्पेस करके रिपीट करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर 30 एंगल डाल देता हूँ, तो यहाँ पर हमने एंगल भी डाल दिया है। यहाँ पर मेरे डायमेंशन की साइज़ एकदम एक्यूरेट आए हैं क्योंकि मैंने पहले से ही इसके सेटिंग कर लिए हैं। अगर आपको डायमेंशन के सेटिंग्स के बारे में जानना है तो आप मेरा डायमेंशन वाला लेक्चर देख सकते हो। तो चलिए डायमेंशन को भी थोड़ा सा कलर कर देते हैं, इन सारे डायमेंशन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, वन बाय वन इसे सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बाइलेयर में जाके यहाँ पर इसे भी एक कलर कर देता हूँ। तो ये हमारा ड्राइंग हमने रेडी कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने का बिल्कुल ट्राई करूँगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम